सृष्टि रचयिता ओम भाग दो। हिंदू धार्मिक तथ्यों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिंदु और नाद के मिलन के कारण मानी जाती है। इस तथ्य को इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि बिंदु और नाद के मिलन के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। अब बात करते हैं धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हिंदू धार्मिक तथ्यों के अनुसार सृष्टि की रचना का श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है और वही वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति में सहायक बीज दूर अंतरिक्ष से धरती पर पहुंचा और फिर जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जितना भी जीवन फल फूल रहा है उन सबका एक ही साझा पूर्वज है। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि अगर हम सबका साझा पूर्वज एक ही है तो फिर ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि की रचना की उसका रहस्य क्या है, और उस रहस्य को जानने के लिए चलते हैं इस कहानी के अगले पन्ने की तरफ। ऊर्जा युक्त ओंकार स्वरूप की सहायता से एक जटिल मंथन प्रक्रिया के द्वारा अल्पो आकाश गंगाओं का निर्माण करने के उपरांत एक ओंकार शिव ओम ओम के मंत्रोच्चारण में लीन है। नव निर्मित आकाश गंगाओं में जन्म लेने वाले पिंड अपना अपना स्थान प्राप्त करने के होड़ में लगे हुए हैं, और तभी अचानक माता आदि शक्ति अपने मूल रूप में प्रकट होकर ओमकार स्वरूप में विराजमान एक ओमकार शिव से कहती हैं, हे प्रभु, ऊर्जा युक्त ओमकार स्वरूप की सहायता से ब्रह्मांड में फैले गैसीय पदार्थ को आकाश गंगाओं की शक्ल में संगठित करने के लिए जिस जटिल मंथन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था, उस प्रक्रिया के कारण ब्रह्मांड में उपलब्ध कुछ तत्वों के यौगिक से जीवन की उत्पत्ति में सहायक एक प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी हुआ है। हे प्रभु, जीवन की उत्पत्ति में सहायक इस जीवन रूपी बीज को जीवन रूपी तत्व में परिवर्तित करने के लिए एक विशेष प्रकार के सौर मंडल का निर्माण करना होगा। इसलिए अब मेरे ज्योति रूप को पुत्र सूर्यदेव सहित ओंकार स्वरूप से अलग होकर यहाँ की सबसे निकटतम आकाश गंगा के एक नव निर्मित सूरज में जाकर वास करना होगा, ताकि सूर्यदेव की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल एक विशेष प्रकार के सौर मंडल का निर्माण किया जा सके। हे प्रभु, सृष्टि की रचना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपको अर्ध नारीश्वर स्वरूप धारण करना होगा। अतः जैसे ही मेरा ज्योति रूप पुत्र सूर्यदेव सहित इस ओंकार स्वरूप से अलग होगा, आपको अपना साक्षात अर्ध नारीश्वर स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। हे प्रभु, सृष्टि रचना की प्रक्रिया को युगों युगों तक संतुलित बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के लोकों तथा नक्षत्रों आदि की व्यवस्था भी की जानी है। इसलिए अब मुझे भी यहाँ की सबसे निकटतम आकाश गंगा में जाकर वास करना होगा, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल विशेष सौर मंडल का निर्माण केवल उसी आकाश गंगा में किया जा सकता है जिसमें मेरा वास होगा। जो आज्ञा देवी कहते ही दुर्गा रूप माता आदि शक्ति वहाँ से दूर जाते जाते एक बहुत बड़ी आकाश गंगा में जाकर समा जाती है। दुर्गा रूप माता आदि शक्ति के चले जाने के बाद माता आदि शक्ति का ज्योति रूप भी ओंकार स्वरूप से बाहर निकलता है और अपना आकार बड़ा करने के बाद ओंकार स्वरूप के ऊपर भक्ति में लीन बैठे सूर्य देव को अपनी आगोश में लेकर दूर जाते जाते एक बहुत बड़े नव निर्मित सूरज में जाकर समा जाता है। ज्योति रूप आदि शक्ति और सूर्य देव के चले जाने के बाद ऊर्जा युक्त ओंकार स्वरूप की आकृति भी वहां से दूर, बहुत ही दूर जाकर एक बहुत ही बड़ी आकाश गंगा में जाकर समा जाती है। ऊर्जा युक्त ओंकार स्वरूप के चले जाने के बाद शिव रूपी छवि और दिव्य अर्ध चंद्र पर अचानक कुछ अलौकिक किरणें चमकना शुरू कर देती हैं, जिस कारण शिव रूपी छवि और दिव्य अर्ध चंद्र का दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह अलौकिक किरणें जैसे जैसे वहां से छटती जाती हैं,
वहां पर भगवान अर्धनारीश्वर का साक्षात रूप अपनी बैठी हुई मुद्रा में ओम ओम का मंत्रोच्चारण करते हुए भक्ति में लीन दिखाई देने लगता है। ओम ओम का मंत्रोच्चारण हो रहा है और तभी अचानक एक दिन भगवान अर्धनारीश्वर का शिव रूप अपनी भक्ति को विराम देकर अपने शक्ति रूप से कहता है, हे देवी, ज्योति रूप आदि शक्ति के द्वारा जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल जिस विशेष सौर मंडल का निर्माण किया जा रहा है, उस विशेष सौर मंडल में जीव संसार की रचना को स्थापित करने के लिए मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी का निर्माण भी किया जाना है और पृथ्वी का निर्माण करने के लिए हमें सूर्य के अंश की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण करने के लिए यह एक सरल और सुगम उपाय है। हे देवी, सूर्य देव से सूर्य अंश का प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं है, लेकिन इस कार्य को सरल बनाने के लिए देवी गंगा को प्रकट करना होगा, क्योंकि देवी गंगा की सहायता के बिना ना ही सूर्यांश प्राप्त किया जा सकता है और ना ही पृथ्वी को जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल तैयार किया जा सकता है। हे देवी, देवी गंगा को प्रकट करने के लिए हमें उसका स्मरण करना होगा। जो आ गया प्रभु। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। ओम गंगाय नमः का जाप हो रहा है और तभी अंतरिक्ष से देवी गंगा दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान अर्धनारीश्वर के समक्ष प्रकट होकर कहती हैं, हे प्रभु, मुझे किस प्रयोजन के लिए उजागर किया गया है, कृपया आदेश दीजिए। हे देवी गंगा, जीव संसार की रचना को स्थापित करने के लिए मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी का निर्माण किया जाना है और पृथ्वी का निर्माण करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी जटाओं में वास करने की कृपा करें। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु कहते ही देवी गंगा दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान अर्धनारीश्वर की जटाओं में जाकर समा जाती है और तब भगवान अर्धनारीश्वर का शिव रूप अपने शक्ति रूप से कहता है, हे देवी, जब तक ज्योति रूप आदि शक्ति पुत्र सूर्य देव की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल विशेष सौर मंडल के ढांचे का निर्माण पूरा नहीं कर लेती, तब तक के लिए हमें भी एक लंबी तपस्या में लीन हो जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु कहते ही भगवान अर्धनारीश्वर वहीं बैठे बैठे भक्ति में लीन हो जाते हैं। भक्ति में लीन होते ही ओम ओम का मंत्रोच्चारण शुरू हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुरू होते ही देवी गंगा जल के रूप में जटाओं से निकलकर भगवान अर्धनारीश्वर के चारों तरफ बहना शुरू कर देती है। भगवान अर्धनारीश्वर तपस्या में लीन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह जल की धाराओं से निर्मित शिवलिंग में बैठकर तपस्या कर रहे हो। भाग 2 समाप्त। जय सियाराम।